नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप, बिहार का वो यूट्यूबर जिसके एक एक वीडियो को लाखों करोड़ों लोग देखते हैं, लेकिन बीते कुछ दिनों से बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप सुर्खियों में हैं। सोशल मीडिया पर रोज मनीष कश्यप के बारे में हजारों पोस्ट शेयर हो रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग मनीष को गिरफ्तार कर जेल भेजने की मांग कर रहे हैं, तो कई लोग उस पर हो रही कार्रवाई को गलत बता रहे हैं। अपने वीडियो में बड़े बड़े अफसरों को हड़काने वाला मनीष कश्यप के पीछे पुलिस क्यों पड़ी है, आइए जानते हैं पूरी कहानी दरअसल क्या है। मनीष कश्यप बिहार का एक यूट्यूबर पत्रकार है। सच तक न्यूज के नाम से यूट्यूब पर इसका चैनल है जिसके लाखों फॉलोअर हैं। बिहार की छोटी बड़ी घटना और समस्याओं पर निडर रिपोर्टिंग करने से मनीष कश्यप ने अपने करियर की शुरुआत की। धीरे धीरे लोग इसकी निडर रिपोर्टिंग के कायल होते गए और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाला मनीष कश्यप बिहार की पत्रकारिता जगत का उभरता हुआ सितारा बन गया। बिहार पुलिस इन दिनों मनीष कश्यप के पीछे जिस मामले में पड़ी है वो तमिलनाडु से दरअसल जुड़ा हुआ है। बीते एक हफ्ते से तमिलनाडु में बिहार के लोगों के साथ मारपीट और हमलों की खबरें सामने आईं। खबरों में दावा किया गया है कि बिहार के लोगों को तमिलनाडु में दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है, उन्हें वापस जाने की बात कही जा रही है, लेकिन तमिलनाडु पुलिस ने इस खबरों को अफवाह करार दिया। फिर भी बिहार में बीजेपी और अन्य विपक्षी दल इस मुद्दे पर सरकार पर हमलावर हैं। तो सीधे आपको ले चलते हैं, मनीष कश्यप इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं इंडिया वॉइस पर। बहुत स्वागत है मनीष भाई आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष भाई। डर तो नहीं लग रहा आपको? डर क्यों लगेगा, मैं फौजी का बेटा हूं और फौजी का बेटा कभी डरता नहीं है। बिहार सरकार सर आपसे इतनी नाराज क्यों है? जंगल राज के जो युवराज राजकुमार यादव वो नाराज है, वो चाहते हैं फिर से बिहार जंगल राज बने और हम चाहते हैं बिहार जो है नया बिहार बने, तो इसलिए वो नाराज है। तेजस्वी यादव नाराज है और उनके द्वारा जो है साजिश के तहत जो है मेरे ऊपर एफआईआर कराया जा रहा है। आप पर दो राज्यों के रिश्ते खराब करने के आरोप है और फेक न्यूज की साजिश रचने का आरोप है, दरअसल इसकी सच्चाई क्या है, एक बार आप देश की जनता को बताना चाहेंगे टीवी पर? मैं बता रहा हूं आपको। 21 फरवरी को जो है अमर उजाला में एक खबर चलता है जिसमें बताया जाता है कि बिहार के मजदूरों के साथ जो है तमिलनाडु में जो है ज्यादती हो रही है 21 फरवरी को। उसके बाद से 28 फरवरी को आरजेडी के एक पूर्व विधायक पूर्व सांसद डॉक्टर अनिल सहनी जो हैं उन्होंने फेसबुक पे पोस्ट किया था। उसके बाद से 28 फरवरी को पप्पू यादव जी ने भी पोस्ट किया था। विधानसभा में हंगामा हुआ, बड़े बड़े अखबारों में खबरें चली। मैं 1 मार्च को वीडियो बनाया और मेरे ऊपर एफआईआर हो गया। मैंने वीडियो में कहीं भी ये नहीं कहा है कि तमिलनाडु के लोग बिहारी मजदूर को मार रहे हैं। मेरा वीडियो सोशल मीडिया पे पड़ा हुआ है, यूट्यूब फेसबुक पे पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। और उसमें से अगर मैंने ऐसा कहा है तो वो वीडियो क्लिप ये लोग दिखाए कि मैंने किस वीडियो में ऐसा कहा है। लेकिन मैं आज भी अपने बातों पे कायम हूं कि मैंने कहा है कि बिहार के मजदूरों के साथ गलत हो रहा है, ज्यादती हो रही है, बिहार के मजदूर मार खाते हैं बिहार से बाहर। और ये बात सत्य है, यूनिवर्सल सत्य है। बिहार के मजदूर दूसरे दूसरे राज्यों में जाते हैं, मार खाते हैं। तेजस्वी यादव जी ने विधानसभा में कहा था कि ये सारा झूठ है क्योंकि तेजस्वी यादव जी तमिलनाडु में जाके वहां के मुख्यमंत्री के साथ केक काट रहे थे और वही चीजें उनको बुरा लग गया है कि बिहार में सबसे ज्यादा फॉलो किया जाने वाला पत्रकार हमारी बातों को झूठ कैसे साबित कर दिया। अगर वो हमारी बातों को सत्य साबित किया होता तो हम उसके ऊपर नई एफआईआर कराते। तो तेजस्वी यादव जी का प्रशासन, बिहार पुलिस से हमें कोई नाराजगी नहीं है। नहीं मनीष भाई, आरोप आप पे ये है कि पहले तो एक फेक प्रोपेगेंडा चलाया जाता है सोशल मीडिया पर और फिर उस फेक वीडियो को सही प्रूफ करने के लिए आप अपने दोस्तों के साथ पटना में वीडियो बनाते हैं। अरे नहीं, वही तो समझने की जरूरत है। देखिए कैसे आपको अब मुझे फंसाया जा रहा है। 6 तारीख को कुछ लोगों ने पटना में वीडियो बनाया, मेरे पास उसका स्क्रीनशॉट आया और मैंने ट्विटर पे ट्वीट किया कि तेजस्वी यादव जी देखिए क्या पता आप झूठ बोल रहे होंगे और मजदूरों का दर्द सही है। लेकिन ट्विटर में आगे मैंने लिखा कि अगर ये फेक वीडियो है
तो जिस न्यूज चैनल ने ये वीडियो बनाया है उसका मोबाइल नंबर दिया हुआ है, आपके आप उसके ऊपर कार्रवाई कीजिए। हाँ, लेकिन चूंकि जो है मेरे आधे चीजों को दिखा के जो है मेरे ऊपर एक और FIR कर दिया गया, दूसरा FIR कर दिया गया। अब जरा बताइए, इंडिया वॉयस का कोई खबर चल रहा है चैनल हाँ, पे, और इंडिया वॉयस के खबर का मैं स्क्रीनशॉट लेके ट्विटर पे ट्वीट कर दूं और बोल दूं कि देखिए, यानी कि मनीष कश्यप ये कहना चाहते हैं कि उनकी निष्पक्ष पत्रकारिता को दबाने की कोशिश की जा रही है, दबाने का षड्यंत्र चला जा रहा है। बिहार में आज के समय में आप जाके निष्पक्ष पत्रकारिता करेंगे तो बिहार के जो जंगल राज के राजकुमार हैं वो दबाने का भरपूर प्रयास करेंगे, और उनका कोशिश यही है, वो मुझे ही नहीं दबा रहे हैं। आप पता कीजिए, पिछले 6 महीना में ना जाने कितने पत्रकारों पे FIR हुआ है, 50-100 से ज्यादा पत्रकार पे। अभी 15 दिन पहले छपरा में एक कांड हुआ था, उसमें भी 10-15 पत्रकार पे FIR हुआ। तो मतलब बिहार में ये निष्पक्ष पत्रकारिता को लेकर सवाल अभी से उठ रहे हैं कि जब से गठबंधन की सरकार है तब से, या पहले नीतीश और बीजेपी का गठबंधन चलता था तब से भी ऐसा होता रहा है? देखिए, मैंने सबसे ज्यादा वीडियो जो है नीतीश कुमार और बीजेपी की जो गठबंधन थी उस समय बनाया है, और आंखों में आंखें डाल के सवाल किया है, मैं एम्बुलेंस पे खड़ा हो के सवाल किया है मैंने। उस समय कुछ दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन अभी जो है दिक्कत हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो है तेजस्वी यादव जी को ये सारी बातें जो है वो पसंद नहीं आ रहा है, कहीं नहीं तो कहीं जो है वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, और बिहार में जितने पत्रकार हैं उनकी बातों को दबाया नहीं जाना चाहिए। और अब दबाया जा रहा है, पहले नहीं दबाया जाता था। मैं उत्तर प्रदेश में जो है, यानी कि तेजस्वी यादव, आप कह रहे हैं कि RJD के गठबंधन, जब से RJD इंक्लूड हुई है सरकार में तब से कुछ ज्यादा हावी हो रहा है। तब से देखिए, ये लोग बोलते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, ये लोग स्वतंत्र पत्रकारिता की बात करते हैं, जब विपक्ष में रहते हैं तो सत्ता में आते हैं तो ये लोग क्या करते हैं सबको पता है। आप जो है स्वतंत्र तरीके से, लेकिन एक आपका वीडियो वायरल हो रहा है मनीष भाई एक वीडियो आपका वायरल हो रहा है, और उसमें आप कह रहे हैं कि अगर मैं गिरफ्तार हुआ तो 180 दिन के अंदर तेजस्वी यादव की सरकार गिरा दूंगा, दावा कर रहे हैं। तेजस्वी यादव का सरकार मेरे गिरफ्तार होने से पहले ही गिरने वाला है, आप पता कीजिए। अभी तो रेस लगी हुई है कि तेजस्वी यादव से पहले जेल जाएंगे कि पहले मनीष कश्यप जेल जाएंगे। अभी तेजस्वी यादव इनकम टैक्स, ED और CBI के सवालों का जवाब देना, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ बिहार पुलिस के सवालों का जवाब देना। आपकी कोई व्यक्तिगत खुन्नस तो नहीं है? ऐसे भी गिरने वाली है मनीष भाई, आपकी कोई व्यक्तिगत खुन्नस तो नहीं है तेजस्वी से या RJD से? नहीं, मुझे व्यक्तिगत खुन्नस नहीं है। मैंने नीतीश कुमार जी के कार्यकाल के दौरान जब भारतीय जनता पार्टी में थे तब मैं अस्पताल में घुस घुस के वीडियो बनाया हूँ, स्कूल में घुस घुस के वीडियो बनाया हूँ। मुझे इनसे सिर्फ और सिर्फ एक बात का शिकायत है कि पटना में पार्किंग विवाद में गोली चलता है, 4 से 5 लोगों की हत्या हो जाती है, छपरा में जातीय रंजिश के चक्कर में जो है 3 लोगों की हत्या हो जाती है, और भी बिहार में अनेकों जगहों पे हत्या हो रही है, हत्यारे को नहीं पकड़ के ये दावा किया जाता है कि आप पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, आपराधिक मामला होता क्या है पहले तो सोसाइटी को समझना होगा। आपराधिक मामला अगर मेरे ऊपर दर्ज है तो भगत सिंह के ऊपर भी आपराधिक मामला दर्ज था, यानी कहने का मतलब यह है मैं 443 बच्चों के भविष्य के लिए सरकारी काम में बाधा डालने के साथ साथ कश्मीरी युवक की पिटाई का मामला भी आप पे दर्ज है। कश्मीरी युवक की नहीं, सुनिए, पुलवामा हमले के बाद जब हमारे देश के जवान शहीद हुए थे, 44 जवान, उसके बाद से कश्मीर के कुछ मुस्लिम लोग बिहार की राजधानी पटना में अपना दुकान चलाते थे, हम लोग पूछने गए थे कि आप लोग यहाँ पे सुरक्षित है तो हमारे देश के जवान जो है अब कश्मीर में क्यों नहीं सुरक्षित रहते, उनके ऊपर हमला क्यों होता है? और उनके ऊपर, लेकिन चलते चलते आखिरी सवाल, किन किन पार्टियों से नेता आ चुका है अब तक मनीष कश्यप को? क्या बोल रहे हैं सर? किन किन पार्टी से न्योता आ चुका है अब तक आपको? किसी पार्टी से न्योता नहीं आ चुका है, मेरा घर खपड़े का है सर। मैं एक छोटे से गांव महानवा डुमरी जो पश्चिमी चंपारण में है। कोई राजनीतिक चाहत भविष्य में? देखिए, मैं जो कर रहा हूँ मुझे करना है, मुझे बिहार के भविष्य के लिए लड़ना है, और बिहार का भविष्य जो खराब करेगा उसके खिलाफ लड़ना है मुझे। आपके चाहने वाले लाखों करोड़ों लोग हैं सोशल मीडिया पर चाहने वाले, उनके लिए क्या संदेश मनीष कश्यप दे रहे हैं आज TV पर बैठकर? क्या बोल रहे सर? आपके चाहने वाले साहब लाखों करोड़ों लोग हैं सोशल मीडिया पर, मनीष कश्यप उनके लिए क्या संदेश देंगे आज TV पर बैठकर? मैं उनके लिए यही संदेश दूंगा कि अगर आप बिहार के हैं
तो विनती है आपसे कि आप जातिवाद नामक जहर से ऊपर उठ के जो है बिहार को बनाने का प्रयास करें, और राष्ट्रवाद से कोई समझौता नहीं है, राष्ट्र हमारे लिए सर्वप्रथम होना चाहिए, राष्ट्र के साथ कोई समझौता नहीं, और बिहार के लिए आप लड़े, आप अपने अपने राज्य के लिए लड़े, लेकिन ख्याल रखें कि आप दूसरे राज्य के लोगों का अपमान किसी भी हाल में नहीं करना है। जैसे हमारे बिहार के भाई जो है दूसरे जगह जाते हैं तो उनके साथ अपमान होता है, और साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे जेल डलवाना है तो डलवा दे, लेकिन मजदूरों के लिए एक आयोग का गठन किया जाए, मजदूरों के समस्याओं के समाधान के लिए जो है एक आयोग बनाया जाए, ताकि जो है मजदूरों को बिहार के बाहर किसी भी प्रकार का समस्या का समाधान ना हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया मनीष आपका इंडिया वॉइस पर जुड़ने के लिए, अपनी बात देश को बताने के लिए बहुत शुक्रिया।